अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन ज़कातरी हाज़िर खिदमत है। और इंशाल्लाह मैंने जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किया हूँ तो उससे मुतालिक, उससे रिलेटेड यादगार पल जो है, तो कैसे चेंजेस आए, कैसे इम्प्रूवमेंट मुझ में आ रही डे बाई डे, और आपकी मोहब्बत कैसे बढ़ती गई और मैं कैसे इम्प्रूव होते गया, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल की जब शुरुआत की थी तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि यूट्यूब क्या है, एडसेंस क्या है और कैसे अर्निंग की जाती है। तो बस जब मैं अपनी महफिल नात की जब वीडियोस डालता था तो मैं बस अपनी एक मेमोरी सेव हो जाए, बस इस यही मेरा मकसद था। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि मोहसिन भाई आप जिस तरीके से इमाम बांधते हैं तो आप उस तरीके से लोगों को भी सिखाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को इमामा शरीफ बांधना नहीं आता है। तो मेरी सबसे पहली वीडियो जो थी हाउ टू टाई अ ब्यूटीफुल इमामा शरीफ, मुझे बोलने भी नहीं आता था और सही तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से जो है वो वीडियो कामयाब हुई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए मैं किस तरीके से बात करता था। मेरे सलाम करने का अंदाज़ और मेरे बात करने का अंदाज़ ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे कोई ज़बरदस्ती वीडियो शूट करवा रहा है। तो उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियोस में, और उस वक्त ना तो हमारे पास लाइट थी, ना अच्छा कैमरा था और ना माइक था और स्टैंड वगैरह कुछ नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम वन टेक में शूट करते थे और डे बाय डे आप लोगों की मोहब्बत से और अल्लाह के करम से इम्प्रूवमेंट होती गई। अब मैं आपको दूसरी वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। एक वीडियो थी है तेरी नायाब का खिला मेरे घर में, एक कलाम था, एक कलाम आप लोगों ने देखा भी होगा। है तेरी इनायत का घेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। ये वीडियोस हमने वन टेक में शूट किया और मेरे हाथ में ना कॉलर माइक था, ना कुछ माइक था, कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था और बस एक सादा सा कैमरा था, उसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था कि शूट किया था। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा भी है और आप लोगों की मोहब्बत इतनी बढ़ रही है, अल्लाह पाक इसमें और इजाफा फरमाए। तो नाज़रीन, जैसे आपने भी अभी देखा, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया, तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक बेहतरीन नातवा बनना चाहते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो डे बाई डे आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट्स आपके अंदर आती जाएगी। जैसे आपने देखा कि मैं पहले किस तरीके से नाज़ शरीफ पढ़ता था और अब अंदाज़े नाज़ कैसा है पढ़ने का, तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको बताए। जज़ाकअल्लाह खैर, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जानता क्या है बस आप जानते हैं।